इस प्रकार से एग्जिट पोल ने भी हमारी उसी बात की ताकीद की है, उसी के ऊपर मोहर लगाई है, हमको बड़ा संतोष है। फिर भी आखिर रिजल्ट फाइनल तो 23 तारीख को ही आएगा, 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा मुझे निश्चित रूप से इस बात का आभास है, मैं विश्वास करता हूँ कि सब 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। मोदी की लहर इसमें काम आई, बहुत सी चीज़ें काम आई है। मोदी जी की लहर तो थी, 2014 से भी ज़्यादा लहर थी और सारे देश भर में थी, और जो हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं वो भी उसमें काम आएंगी। हमारा चूँकि 4.5 साल का जो समय बीता है उसमें निश्चित रूप से जब प्रदेश सरकार होती है तो उसकी कोई ना कोई जब बात की जाती है एंटी इनकम्बेंसी की, तो हमने जैसे पहले कहा आज मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी सरकार को लोगों ने पसंद किया है, एंटी इनकम्बेंसी की बजाय प्रो इनकम्बेंसी के नाते से लोगों ने सराहा है, तो निश्चित रूप से सबका लाभ हुआ। अच्छा मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जो चुनाव आयोग है, वैसे तो संवैधानिक संस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बोगस पोलिंग की जो आवाज़ आ रही है उसको रोकने में सरकार की सहायता से मतलब नाकाम रही है। देखिए बहुत जगह पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए या पोलिंग अरेंजमेंट्स में जो फोर्सेस को लिया जाता है उसमें हरियाणा की जो अपनी पुलिस है वो तो है, साथ में अन्य कंपनियां भी बाहर से मंगवाई जाती हैं, और इस बार 95 कंपनीज को पैरामिलिट्री को ऐसा बुलवाया गया था, मंगवाया गया था। फिर भी इक्का दुक्का जहाँ हमको शिकायत मिली है उन शिकायतों का चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है, और कहीं भी इस प्रकार की बात जो कोई बोगस पोलिंग है उसको सहन नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उस पर अपने निर्णय देंगे। एक बूथ का जैसे उन्होंने रीपोलिंग का किया था वो भी कल शांतिपूर्वक मतदान हो गया है, और अब मैं समझता हूँ चूँकि 23 तारीख को इसका चुनाव का परिणाम ही निकल आएगा, इसलिए उसके बाद इस सारे विषय का कुछ बचेगा नहीं। सीएम साहब आज की जो मीटिंग है इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होगा? अभी तो लोकसभा के चुनाव की सारी रिव्यू होगा, सब बातों का, सब विधानसभा व्यवस्थाओं का, सारी बातों का। आखिर चुनाव के बाद एक हमारी परंपरा है कि हम सब इकट्ठे बैठ करके और विचार किया करते हैं कि कहीं कोई छोटी मोटी बात सावधानी के लिए आगे के लिए ध्यान आती है तो उसको हम करते ही। दो तरह की बैठकें रखी हुई हैं, एक जो जो व्यवस्थाएं हमने कार्यकर्ताओं के जिम्मे लगाई थी जिसमें प्रचार से लेकर के अन्य व्यवस्थाएं जितनी भी हो सकती हैं उनके जो प्रमुख रहे प्रदेश के उनसे उनके अनुभव साझे किए हैं कि किस किस कार्यकर्ता के जुम्मे क्या क्या काम था, किस प्रकार का अनुभव उनका रहा, और ऐसी जो बैठक है उसका एक हिस्सा अभी पूरा हुआ है। अब अगली बैठक में हमारे सभी लोकसभाओं के प्रत्याशी यानी कि भावी सांसद, लोकसभाओं के प्रभारी, सहप्रभारी, संयोजक, सहसंयोजक, इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की बैठक रहने वाली है। अगली बैठक में मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, और जो पहली बैठक हुई है उसमें जिन जिन कार्यकर्ताओं के जिम्मे जो काम सौंपा था उनके अनुभव उन्होंने साझे किए हैं, तो बहुत अच्छे अनुभव सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर साझे किए हैं। बड़े उत्साह के साथ अपनी अपनी जो भी उनकी जिम्मे काम था उसकी चर्चा यहाँ पर साझी की है। तो ये अभी तक आज की हमारी बैठक की कार्रवाई की जानकारी मैंने आपके सामने रखी।